बॉलीवुड स्टार्स कोरोना महामारी के खिलाफ जारी देश की जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सितारों ने पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। साथ ही वो खुद भी दिहाड़ी मजदूरों और सफाई कर्मियों को आर्थिक मदद देने और उनके खाने पीने के सभी सामानों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसी लिस्ट में अब बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार आमिर खान की भी एंट्री हो गई है। कोरोना के कहर के बीच आमिर खान ने भी अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है। आमिर ने पीएम केयर फंड और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम करने वाले डेली वेज वर्कर्स यानी कि दिहाड़ी मजदूरों की भी मदद की है। खास बात ये है कि अपने इस महादान की खबर खुद आमिर ने शेयर नहीं की है। आमिर से जुड़े कुछ सूत्रों के जरिए ये खबर मीडिया में आउट हुई है। आमिर काफी पहले कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में अपना ये योगदान दे चुके हैं। खबरों की माने तो आमिर अपने इस डोनेशन की खबर सबसे छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन मंगलवार रात से ही आमिर खान के गुप्त महादान की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। हालांकि आमिर ने कुल कितनी राशि दान की है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आमिर ने कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब आमिर खान जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। 2013 में जब आमिर अपने टीवी शो सत्यमेव जयते की शूटिंग कर रहे थे, तब भी उन्होंने शो में आए आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभागियों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए दान दिए थे। अपने इस दान की खबर भी आमिर ने सबसे छुपाई थी। इसके अलावा 2014 में आमिर ने 11 लाख रुपए डोनेट कर मामी फिल्म फेस्टिवल को भी सपोर्ट किया था। 2013 और 2014 में बिहार में आई भयंकर बाढ़ के वक्त भी आमिर आर्थिक मदद के साथ आगे आए थे। उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में तबाही लेकर आई बाढ़ के दौरान भी आमिर ने 25-25 लाख रुपए दान देकर मदद की थी। इसके अलावा भी आमिर समाज सेवा में लगे कई एनजीओज में समय समय पर दान देते रहते हैं, जिसकी जानकारी वो किसी को नहीं देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम कर रहे हैं, जो कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। फिल्म में आमिर के अलावा करीना कपूर खान भी नजर आएंगी, जो कि फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं।